सत श्री अकाल जी, पंजाब बुलेटिन देख रहे हो तुसी। मैं हाँ प्रभ सिद्धू ते शुरुआत कर लैने आ सुरखियां दे नाल। लुधियाणा विच होया सरपंचां दा सौं चुक समागम, सीएम भगवंत मान ने सरपंचां नूं कीती खास अपील। पंजाब जिमनी चोणां च गैंगस्टरां दी एंट्री, सुखजिंदर रंधावा ने चोण कमिशन नूं लिखी चिट्ठी। पंजाब बीजेपी ने घेरी सूबा सरकार, झोने की लिफ्टिंग विच हो रही देरी नूं लैके चुके कई तरह के सवाल। राजा वड़िंग ने घेरी केंद्र ते सूबा सरकार, कहा मंडियां विच झोने दी कीती जा रही है बेकदरी। ते हुण इन्हां खबरां दा विस्थार। अज लुधियाणा विखे पंजाब दे नवें चुने सरपंचां दा सहुं चुक समागम करवाया गया। इस मौके मुख्यमंत्री भगवंत मान दे समेत आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल अते पंजाब दी वड्डी लीडरशिप मौजूद रही। सीएम मान ने सरपंचां नूं संबोधन करदिआं वख-वख मुद्दिआं नूं लैके अपील भी कीती। लुधियाणा के पिंड धनानसू विखे सरपंचां दे सहुं चुक समागम विच पहुंचे सीएम भगवंत मान ने संबोधन करदे हुए कहा कि जिहड़ा पैसा पिंड दे कम्मां लई आवेगा वह कम कोल खड़े होके करवाउण। जे कोई ठेकेदार माड़ा समान वरतदा है तां उसकी शिकायत सरकार नूं करो, उस ठेकेदार का टेंडर कैंसल कर दिता जाएगा तो मुड़ के दोबारा उसनूं टेंडर नहीं मिलेगा। उन्हां कहा कि पंचायतों नूं लोकतंत्र की नींह कहा जाता है, नींह मजबूत होगी तो ही इमारत टिकी रह सकती है। तुसी मता पा के लियाओ, उस तो अगे साडा काम है, पर हां जेड़े पैसे थोड़े पिंड चाहणगे उहदा कोले खड़ के काम करायो। ये ना सोचो सरकारी पैसा है फिरनी पक्की करवानी है, ये ना सोचो सरकार दे पैसे ना फिरनी पक्की हो रही है। जे कच्ची पिल्ली इट्टा लाती उन्हें जिन्हों तुसीं ठेका दिता, मुड़के चार महीने नूं फिरनी फिर टुट जू। कोले खड़ के क्वालिटी चेक करो आप, ये अपना फर्ज बनता है कि असीं कोले खड़ के काम करावांगे। जे कोई माड़ी इट जा कोई लुक जा कोई माड़ी क्वालिटी का समान लाउंदा सानू दसो, असीं उहदा टेंडर कैंसल कर देंगे नाल दी नाल, और दोबारा कदे जिंदगी च उहनूं टेंडर नहीं मिलेगा कि भाई तू लोगों के पैसे चो पैसे खा रहे। दूजा सब तो वड्डा जिहड़ा फर्ज नशे जिहड़े ने उह बंद करने ने, उह कल्ली सरकार जां पुलिस ते ना छड्डीए, आपां नूं सारयां नूं इक समाजिक लहर बनाउणी पऊगी। क्योंकि पिंड आणियां नूं सारा पता हुंदा कि कौन साडे पिंड नशे वेचदा, कौन कित्थे किहड़े बोर्ड थल्ले आउंदा, उत्थे गड्डी खड़ाउंदा, उत्थे जांदे ने। आपां सारे इकट्ठे हो के अपने पिंडां नूं साफ सुथरे, अपने पिंडां नूं जिहड़ा नशा रहित बनाउणा, और इहदे वास्ते बहुत सारे पिंड मेरे कोल पहलां वी आ चुके ने, उहनां ने मुंडिआं ने क्लब बनाए हुए ने ते उहनां ने लिखिआ होइआ कि साडे पिंड जिहड़ा कोई नशा वेचण नहीं आ सकदा, साडा पिंड नशा रहित है। बहुत चंगे चंगे पिंड ने जिथे नौजवान मुंडिआं ने क्लब बनाए हुए ने। फिर इस तों बाद वीरो पिंड हरे भरे भी बनाउणे आ, दरख्त जमी घट गए, दरख्त लाउण वास्ते पंचायतों कोल कई पंचायतों कोल जमीनां हैगीआं, कई पंचायतों कोल जमीनां है नहीं, तां आपां सड़कां दे आले दुआले जां टोभे दे आले दुआले जां जिथे भी मौका मिलदा है पवन गुरु पाणी पिता माता धरत महत, गुरु नानक साहब ने उह सवा 500 साल पहलां लिखता सी। दस दे कि पंजाब दे विच हुण जा रहीआं जिमनी चोणां नूं लै के आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल दो दिनां दे पंजाब दौरे ते ने। पंजाब दे विच 20 नवंबर नूं जिमनी चोणां लई वोटिंग होणी है ते इस दे नतीजे 23 नवंबर नूं ऐलाने जाणगे। जिमनी चोण विचाले गुरदासपुर तों मैंबर पार्लियामेंट सुखजिंदर सिंह रंधावा ने भारतीय चोण कमिशन अते गृह मंत्रालय नूं शिकायत कीती है। रंधावा ने शिकायत दे विच कहा कि जेल विच बंद गैंगस्टर जग्गू भगवान पीरिया वीडियो कॉल करके वोटरां नूं डरा रहा है, आप उम्मीदवार दे हक विच भुगतण लई कह रहा है। पंजाब दे विच जिमनी चोणां नूं लैके लगातार सियासी अखाड़ा भखदा होया नजर आ रहा है। इसे विचकार हुण कांग्रेस दे सांसद सुखजिंदर सिंह रंधावा दे वल्लों चोण कमिशन नूं लिखी चिट्ठी ने नवीं सुरखियां बटोरनियां शुरू कर दित्तियां ने। सुखजिंदर सिंह रंधावा दे वल्लों इलैक्शन कमिशन नूं गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया की शिकायत दित्ती गई है, जिस दे विच उन्हां कहा है कि डेरा बाबा नानक दे विच जग्गू भगवानपुरिया दे वल्लों लोकां नूं डराया धमकाया जा रहा है, जेल दे विच बंद होण दे बावजूद वह लोकां नूं धमकियां दे रहा है, जिस विच लिखिआ है कि उह लोकां नूं धमकियां दे रहा है कि उह देख लैण कि उह जिमनी चोणां च कांग्रेस नूं वोट दिंदे हन। गैंगस्टर दी मां जेल जांदी है ते उस नूं फोन ते गल करन लई लै जांदी है। उन्हां कहा कि इस मामले दी जांच होणी चाहीदी है, नाल ही लोकां दी
सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। उन्हों का दोष है कि उसने मामला पुलिस के ध्यान में लिया पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। मुलजम नूं सरकार का समर्थन हासिल है। आम आदमी पार्टी के बुलारे ने इन दोषों नूं बेबुनियाद करार दिता। उन्हों का कहना है कि यह कल्चर साड़ी पार्टी का नहीं है। इस दे नाल ही दोष लगाउण वालियां बारे भी हर कोई जानता है। दस दिए कि सुखजिंदर सिंह रंधावा पहला डेरा बाबा नानक तो विधायक सन, पर उन्होंने गुरदासपुर तो संसद मैंबर बनन तो बाद ये सीट खाली हो गई सी। इस दे नाल ही हुण चोणां दे विच सिर्फ कुछ दिन बाकी रह गए ने। अजिहे विच हुण मामला सामने आया। उसका कहना है कि उन्हां नूं भी यह समझ नहीं आ रही कि जेल विच यह सब किवें चल रहा है। उन्होंने दोष लगाया कि जग्गू का जेल के विचों चार दिन पहला ही एक मोबाइल फोन मिलया जिसका मामला भी दर्ज कर लिया गया। उन्होंने यह भी दोष लगाया कि जग्गू के परिवारक मैंबरों नूं सरकार वालों सुरक्षा मुहैया करवाई गई सी। उन्होंने कहा कि वह गैंगस्टर की गल ना सुनने वाले खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। उसका कहना है कि इस मामले की जाँच होनी चाहिए है। दस दें कि डेरा बाबा नानक तो सुखजिंदर सिंह रंधावा की पत्नी जतेंद्र कौर रंधावा कांग्रेस की टिकट तो चोन लड़ रहे हैं। दूजे पासे जेकर गल की जाए आम आदमी पार्टी की तो आप दे वलों गुरदीप सिंह रंधावा चोन मैदान दे विच ने। भाजपा दे वलों रविकरण सिंह कालो नूं चोन मैदान दे विच उतारिया गया है। पंजाब विच चोणे दी लिफ्टिंग विच देरी नूं लैके बीजेपी पंजाब ने सूबा सरकार नूं घेरिया। भाजपा दे सीनियर आगू हरजीत गरेवाल दे वलों एक प्रैस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्हां वलों सीएम भगवंत मान ते तिखे शब्दी हमले किए गए। भाजपा के सीनियर आगू हरजीत गरेवाल ने एक प्रैस कॉन्फ्रेंस के दौरान पंजाब की मान सरकार नूं घेरिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के सरकारी अधिकारियों नूं दिल्ली बुला के कामकाज की जानकारी ली जाती है। इस तो यह साफ हो जाता है कि पंजाब की सरकार दिल्ली तो चल रही है। उन्होंने अगे कहा कि पंजाब सरकार ने एक बार फिर तो केंद्र सरकार तो 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है। गरेवाल ने यह साफ कर दिता है कि जेकर किसानों नाल इसे तरह लुट हुंदी रही तो भाजपा नूं सड़कां ते उतरना पवेगा। मैं खुद 3-4 मंडियां च हुण तक गया। राजपुरे च तुहानूं सारिआं नूं पता कि उत्थे मैं देखिआ तां एक किसान जिद्दां रो रिहा सी। उह की हुंदा कि 10-15 दिन जदों तक इहनूं इदां रखी रखी है ना, बड़ी ढेरी होवे उहदे उहनूं हिलाया चलाया ना जावे तां उह नीचे जा के पूरी तरह जुड़ जांदे आ आपस च, फिर उह ठीक वी नहीं हुंदे ਅਤੇ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ 15 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਮੈਂ ਬੈਠਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਨਿਦਾਮਪੁਰ ਭਵਾਨੀਗੜ੍ਹ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਤਾਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੁਪਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਦਿੱਲੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਫੋਰਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਬਿਊਰੋਕਰੇਸੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰੂਗੀ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਅਪਰਾਧ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੋਲਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਆਹ ਹੁਣ 5,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਹੋਰ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਭਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਔਰ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੜਕ ਬਣ ਰਹੀ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਜੋ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਆਹ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ, ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ ਕਰਦੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਣ 'ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੁੱਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸ਼ਬਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਣੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ
किसानां दीआं 10 फसलां चुक्कियां सन, पर इस आम आदमी पार्टी दी सरकार करके किसान पिछले 20 दिनां तों वी ज़्यादा तों मंडियां विच बैठे ने। वड़ेंग ने पराली साड़न ते लै के दित्ते जा रहे परचियां खिलाफ भी सूबा सरकार नूं घेरिया। उन्हां कहा कि केंद्र सरकार जाण बुझ के किसानां नूं तंग परेशान कर रही है। ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤਮਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਝੋਨਾ ਹੈ ਇਹਦੀ ਬੇਕਦਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਹੈ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਝੋਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ 20-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਔਰ ਗਿੱਦੜਬਾ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚਣ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ? 10 ਫਸਲਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਣਕ ਝੋਨਾ ਇੱਦਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਕੋਰੋਨਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਢਿੱਲੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁਣ ਅੱਗਾਂ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪਰਚੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਗ ਲਾਈ ਦਾ ਪਰਚਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਅਨੇਕਾਂ ਪਰਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅੱਗ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਅੱਗ ਨਾ ਲਾਓ ਤੇ ਆਹ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਜ਼ਾਸਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਚਾਹੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਦਾ ਕੈਰੀਅਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਹੈ, ਇਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਚਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਲਿਫਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਕੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਿਰਵਿਘਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਕਾਰ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਖਤੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ 80% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਰਪਾਨ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਅੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੇ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਲ ਦੱਸਿਆ। ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਫਦ ਦੇ ਨਾਲ ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਰਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ 30 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਿਵਲ ਐਵੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਸਿੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ। BCAS ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ
सुरक्षा के मद्देनजर कृपान नहीं पहन सकनगे। सारे हवाई अड्डा ते कर्मचारियों नूं गाइडलाइन एक दिन पहला मिलियां। BCAS ने तरफों कहा गया कि सुरक्षा प्रोटोकॉल के कारण यह हुक्म जारी किए गए ने, जिस तों बाद विवाद शुरू हो गया। नियमों के अनुसार भारत में घरेलू उड़ाना विच सिख यात्रियों को कृपान रखने की इजाजत है, हालांकि सेबर की लंबाई 23 सेंटीमीटर इस तों वध नहीं होनी चाहिए और ब्लेड की लंबाई 15 सेंटीमीटर तो वध नहीं होनी चाहिए। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी खेत्र और आस पास के खेत्रों में वधदे प्रदूषण को देखते हुए पराली साड़न के जुर्माने रकम दुगुना कर दिता है। सरकार के इस फैसले को लेकर आप बुलारे नील गर्ग ने प्रतिक्रिया साझी की है। उन्होंने केंद्र वालों चुके गए इस कदम को बहुत ही गलत दसिया है। सुप्रीम कोर्ट की झाड़ तो बाद केंद्र सरकार ने पराली साड़न ते लाए जाने वाले जुर्माने वधा के दुगुना कर दिता है। इस तहत हुण 5 एकड़ तो वध जमीन वाले किसानों तो पराली साड़न की हरेक घटना के लिए 30,000 रुपए तक का जुर्माना वसूलिया जा सकेगा। उथे ही दूजे पास इस घटना को लैके आप पंजाब के बुलारे नील गर्ग ने इसते प्रतिक्रिया साझी करद कहा कि किसानों की मदद करन दी बजाए केंद्र सरकार ने पराली साड़न ते जुर्माना दुगना कर दिता है। उन्होंने कहा कि किसान पहला ही आर्थिक तौर पर परेशान ने अते केंद्र वालों चुकया गया एक कदम किसानों लई ठीक नहीं। जिस तरीके नाल एक नोटिफिकेशन जारी करके केंद्र सरकार ने पराली जलाउण दे मामले दे उत्ते जिहड़े जुर्माने है ओह दुगने कीते आ, जिथे 2 एकड़ तक हुण 5,000 लगेगा, 2 तो 5 एकड़ तक 10,000 लगेगा और 5 एकड़ तो उत्ते जिहड़ा है 30,000 रुपया जुर्माना ओह किसानां दे उत्ते थोपिया गया। इत्थे ओह गल होगी डुबी तां जिसान आया, पंजाब दा किसान तां पहले ही आर्थिक मंदहाली दे विचों गुजर रहा, उत्तों तुसीं एडे वड्डे उहनां ते जुर्माने लगाते, जिहड़ी चीज करन वाली है ओह तुसीं करदे नहीं। पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार नूं बेनती कीती, ईवन सुप्रीम कोर्ट ने भी आख्या कि 1200 करोड़ रुपया पंजाब सरकार नूं दिता जावे ता कि उस दे नाल किसानां दी आर्थिक मदद करके पराली प्रबंधन दे विच जिहड़ा हैगा ओह सुधार हो सके। असीं इह वी देखिया पिछले 2-3 सालां दे विच लगातार पराली जलाउण दे मामलियां विच पंजाब च कमी आई है। पंजाब सरकार ने एफर्ट्स किए, किसानों ने साथ दिता, जे पराली साड़न के गिनती दे विच एड्डी वड्डी कमी आ सकती है तो फिर 1200 करोड़ रुपये जे केंद्र सरकार दे दिंदा है तुसीं अंदाजा लगाओ किड्डे वड्डे सुधार हो सकते हैं। लेकिन केंद्र सरकार ने वह नहीं करना। पंजाब के लोग कहिंदे आ, पंजाब के किसान कहिंदे आ कि जिहड़ियां बदलवीं फसलां हैगियां उन्हां ते सानूं MSP दे दिओ तां कि असीं झोने की फसल तो बच सकीए, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਰਾਇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਰੂਵਡ ਵਰਾਇਟੀ ਹੈ ਜੋ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੀਜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਾਕਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਬਾਹ ਨਾ ਮਰੋੜੋ, ਬਲਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੋ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੰਟਰੀ ਦਾ। दस दिए कि बीते दिन जारी नोटिफिकेशन तहत 2 एकड़ तो घट जमीन वाले किसानों तो पराली साड़न की हरेक घटना से हुण 5,000 रुपए तक का जुर्माना लिया जा सकेगा। उत्थे ही 2 एकड़ तो वध जमीन वाले किसानों तो पराली साड़न की हरेक घटना से हुण वध तो वध 10,000 रुपए तक का जुर्माना वसूलिया जा सकेगा। आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग राही पार्टी वर्करां नूं संबोधन करदियां दिल्ली विधानसभा चोणां लई तैयार रहने के लिए कहा। उन्होंने पार्टी वर्करां नूं चेतावनी दित्ती है कि भाजपा चोणां जित्तण दे लई सब कुछ करेगी। आप दे राष्ट्रीय कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने वीडियो जारी करके लोगों नूं आने वाली दिल्ली विधानसभा चोणां नूं लैके अपील की है। उन्होंने कहा कि ये लोग सानू हराउण अते चोणां जित्तण लई अपनी सारी ताकत लगाउणगे पर सानू भी हार नहीं मननी चाहीदी, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਰੁਕ ਜਾਵੇਗਾ, ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਕੱਢੋ ਅਤੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਓ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਕੇ 75 ਸਾਲ ਕੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ राजनीति में जनता से जुड़े मुद्दों की बात सुनी है। लोगों ने पहली बार राजनीति में स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़कें, इन जैसे मुद्दों की बात सुनी है। 75 साल में पहली बार लोगों ने देखा है कि अगर सरकार ईमानदार हो जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता।
देश की राजनीति में आम आदमी पार्टी एक ताजा हवा का झोंका है, इसे आगे बढ़ाना है। दिल्ली में हुए कामों को रुकने नहीं देना, इन्हें आगे बढ़ाना है। अभी और बहुत काम करने बाकी हैं। आम आदमी पार्टी देश की अकेली उम्मीद है, इस उम्मीद को कायम रखना है, इसे और आगे बढ़ाना है। जरूरत पड़ने पर देश के लिए तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने की तैयारी रखो। दिल्ली चुनाव के लिए हो सके तो अपने अपने काम से छुट्टी लेके कुछ महीनों के लिए पूरा समय इन चुनावों के लिए लग जाओ। दिल्ली के बाहर के लोग दिल्ली आके अपने किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ कुछ महीने रहने के लिए इंतजाम कर लो। दिल्ली वाले भी छुट्टी लेके पूरा समय चुनावों में लग जाओ। यदि आप पूरा समय नहीं भी दे सकते तो कुछ घंटे प्रतिदिन या कुछ घंटे हर हफ्ते दे दो। वो भी नहीं दे सकते तो अपने अपने घर से ही हर रोज कुछ घंटे दे दो। आपकी सुविधा के अनुसार हम आपको काम बताएंगे। दस दे कि दिल्ली विधानसभा चोणा आम आदमी पार्टी लई अहम ने। दिल्ली विच दो वार पूरे बहुमत नाल चोण जितने वाली आम आदमी पार्टी इस बार थोड़ी डरी हुई है। उन्हां दे खदशे दा कारण पार्टी आगुआं ते लगे भ्रष्टाचार दे गंभीर दोष ने, जिस तों खुद पार्टी मुखी अरविंद केजरीवाल भी नहीं बचे। बीते दिन गिदड़वाहा विखे चोण प्रचार करन पहुंचे सीएम भगवंत मान दा ठेका मुलाजमां दे वल्लों कालियां झंडियां विखा के विरोध प्रदर्शन कीता गया। ठेका मुलाजमान का कहना है कि आप सरकार भी पिछली सरकार की तरह ही ठेका मुलाजमान पक्का करने के लिए सब कमेटियां का गठन करके लारे लप्पियां दे विच अपना समा लंघा रही है। पंजाब विच हो रही जिमनी चोणां नूं लैके सीएम भगवंत मान दे वल्लों लगातार उम्मीदवारां दे हक विच चोण प्रचार किया जा रहा है। बीते दिन सीएम मान गिदड़वाहा तो उम्मीदवार डिंपी ढिल्लों के हक विच प्रचार करने के लिए पहुंचे सन। इस मौके जदों सीएम भगवंत मान का काफिला पिंड कौनी दे कोलों लंघ रहा सी तां ठेका मुलाजमान दे वल्लों काफले नूं कालियां झंडियां दिखा के विरोध किया गया। इस मौके ठेका मुलाजमान का कहना है कि ठेका मुलाजमान दीआं मंगां दे हल लई वख-वख शहरां विच कीते जा रहे संघर्ष उपरांत मुख्यमंत्री नाल मीटिंग दा समां मंगिया गया सी, पर प्रशासन ने 24 बार मुख्यमंत्री पंजाब नाल मीटिंग तय करके रद्द कर दिती ते एक भी मीटिंग नहीं करवाई गई। अज 2.5 साल बीतण दे बावजूद 26 बार जिहड़ा सीएम भगवंत मान सानू लिखती मीटिंगां दे के मुकर चुकिया। असी अपनी गल सुनाउण करन गए सीगे कौणी इत्थे प्रोग्राम होया जी, इहनां दा जिमनी चोणां नूं लै के इहनां ने प्रोग्राम कीता सी। असी उत्थे अपनी गल सुनाउणी करन गए सी, उत्थे साडे साथी आ जिहड़े अरैसट करके थाणे दे विच धक्के गए आ, उहनां नाल जबर जुल्म कीता जा रिहा, अज साडी आवाज़ नूं जिहड़ा दबिया जा रिहा। असी सीएम भगवंत मान तो मांग करते हैं कि जबर जुल्म नूं बंद करके साडे जिहड़े आउटसोर्स अलैसटमेंट ते होर कैटागरियां अधीन जिहड़े वख-वख भागां 'च काम करदे मुलाजमां, उहनां नूं पहल दे आधार ते वख-वख महकमें दे विच लिया के पक्का किया जाए। नहीं तो आने वाले समय के असी जिहड़ा ये अपनी सूबा कमेटी के झंडे के अधीन जिहड़ा संघर्षां नूं होर भी तिखे करांगे। दूजे पासे एक होर गल आ, जिथे सरकार वख-वख लोकां नाल वोटां दे दौरान वादे करके आई सी, कहिंदी सी 1,000 रुपया लेडी नूं देवांगे, घर घर राशन वंडांगे, वह जिहड़ा कोई भी जिहड़ा वादा जिहड़ा सरकार वल्लों पूरा नहीं किया गया। तो साडी जिहड़ी मंग आ पहली जिहड़ी कच्चे मुलाजम उहनां नूं पक्का किया जाए। ये जिहड़ी टेबल टाक ते जेकर साडी मंग दा हल नहीं हुंदा, आउण वाले समें दे विच असीं संघर्षां नूं होर भी तिखे। उत्थे दूजे पासे विरोध प्रदर्शन करदे ठेका मुलाजमां ने इल्जाम लगाया कि पुलिस ने कुछ मुलाजमां नूं मलोट दे पुलिस थाने विच बंद कर दिता। उन्हें कहा कि जबरी कुट के थाने विच बंद करके ठेका मुलाजमान की आवाज़ नूं दबाया जा रहा है। ये असी अज ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चे के बैनर हेठा जिहड़ा कि प्रोग्राम किया गया, मुख्यमंत्री 24 बार सानू मीटिंगां दे के मुकर गया, जिहड़ा कि बैठा नहीं, एक बार भी साडे नाल बैठा नहीं गा, टॉक टेबल ते बह के गल करन दे आया नहीं गा, हरेक बार मीटिंगां दिंदा मुड़ के जरूरी जिवें करके छड्ड दिंदा। अज असी उस ठेका मुलाजम संघर्ष मोर्चे के बैनर हेठा जिहड़ा प्रोग्राम सी इहनूं झंडियां दिखाउण दा उह प्रोग्राम लागू कीता। इस अधीन साडे साथियां नूं जबरी डांगे लाठीचार्ज किया गया ते उहनां नूं जबरी चक के थाणियां दे विच सट्टिया गया, फोन भी उहनां दे खोले गए आ, होर भी तशद्दुदां कीतियां गईआं। मलोट थाणे दे विच सानूं पता लग्गिआ जे प्रशासन नहीं छड्दा तां मजबूरन सानूं तिखा संघर्ष जां कोई हाईवे रोड जाम करना पऊगा जे उह साडे नहीं छड्दे। हुण देखणा होवेगा कि लंबे समें तों अपणियां मंगां लई संघर्ष कर रहे ठेका मुलाजमां दीआं मंगां नूं पंजाब सरकार कदों तक बूर पावेगी, इस बारे तां हुण आउण वाला समां ही दस्सेगा। इस बुलेटिन दे विच इन्ना ही, कल मुड़ तों हाजिर होवांगे। मैनूं दिओ इजाजत, धन्नवाद।